ये मेरे पास Redmi Note 10 है। आज मैं बताऊंगा विदाउट ऑथ फाइल के कैसे फ्लैश करते हैं। देखिए मेरे पास ये UMT का क्यूसीफायर है, फ्लैशिंग वाले टैब उसमें चले जाना है। उसके बाद में यहाँ पे फाइल को, प्रोग्राम वाले फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, टिक करके उसके बाद वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए Redmi Note 10 है ये, तो मैं Note 10 का फाइल ऊपर वाला सबसे पहले फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर एड हो जाएगा इस टूल में, ये UMT का मल्टी टूल है ये। उसके बाद में आपको ADL पॉइंट से फ़ोन खोलकर ADL पॉइंट को शॉर्ट करके आपको कनेक्ट कर लेना है। देखिए बैटरी को निकाल कर ADL पॉइंट को शॉर्ट करके कनेक्ट कर लेना है। तो मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए अभी कनेक्ट हो रहा है, डिवाइस मैनेजर में शो कर रहा है, देखिए ये कनेक्ट हो गया है। उसके बाद में ये कनेक्ट हो गया है, उसके बाद में यहाँ फ्लैश वाले पे ओके कर देना है। तो ये होने लगेगा फ्लैशिंग, तो ये फ्लैशिंग चालू हो गया है। तो इसमें ऑथ फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक फ्लैश कर देगा। देखिए ऑथ फाइल स्कीप कर रहा है ये, देखिए स्कीप ऑथ ओके लिख के आ गया है, ये कंप्लीट फ्लैश हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, ये देखिए कंप्लीट फ्लैश हो जाएगा, आप भी फ्लैश कर सकते हैं। ये UMT डोंगल से होता है, ये UMT क्यूसीफायर है, ये टूल है, ये इसका वर्जन है 8.7। आपके पास जो भी वर्जन है उससे भी हो जाएगा। Thank you.